अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूँ वहीद वजीद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो से हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेल्स एंड टिश्यूज। तो ये एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर है। तो पहले हम लेते हैं एटिमोलॉजी को। एटिमोलॉजी का मतलब ये है कि ये जो टर्म है सेल, ये कहाँ से आया है और इसका मतलब क्या है। तो ये जो टर्म है सेल, ये डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड सेला से, जिसका मतलब है चैम्बर और स्मॉल रूम और स्टोर रूम और कंपार्टमेंट। ये जो टर्म है सेल, इसको फॉर द फर्स्ट टाइम यूज किया था रॉबर्ट हॉक ने 1665 में। यानी 1665 में रॉबर्ट हॉक जो था, ये कॉर्क सेल्स को स्टडी कर रहा था माइक्रोस्कोप के थ्रू। कॉर्क सेल जो है, ये प्लांट सेल है। तो उस दौरान रॉबर्ट हॉक ने ये टर्म सेल यूज किया था। रॉबर्ट हॉक को फादर ऑफ सेल और फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। तो सेल को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। सेल जो है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब के सब सेल से बने होते हैं। फंक्शनल यूनिट का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो फंक्शन होते हैं, वो सेल परफॉर्म करती है, या हम ये कह सकते हैं कि वो सेल के इनसाइड होते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब के सब सेल से बने होते हैं। बाज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और बाज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनि का मतलब है वन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं, जो एक ही सेल से बने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैक्टेरिया। मल्टी का मतलब है मेनी, यानी मोर देन वन, एक से ज्यादा। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मेनी सेल से बने होते हैं, जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग। टिश्यू की बात करते हैं, तो ये जो टर्म है टिश्यू, इसको फॉर द फर्स्ट टाइम यूज किया था जेवियर बिचर्ट ने 1801 में। जेवियर बिचर्ट जो था, ये फ्रेंच एनाटोमिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट था। तो टिश्यू को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू क्या होती है? टिश्यू जो है, ये ग्रुप होती है सेल्स की, लेकिन शर्त यह है कि ग्रुप में जितने भी सेल्स होंगे वो सिमिलर स्ट्रक्चर के होंगे, यानी उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो एक दूसरे के साथ सिमिलर होगा और सब के सब सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट की बात करें, तो प्लांट में मेसोफिल टिश्यू में जितने भी सेल्स होते हैं वो सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं, और जितने भी सेल होते हैं सब के सब फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं, यानी सब के सब स्पेशलाइज्ड होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इस तरह अगर हम एनिमल की बात करें, तो एनिमल में जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, बाज ग्लैंडुलर टिश्यूज स्पेशलाइज्ड होते हैं सलाइवा सिक्रीशन के लिए, बाज स्पेशलाइज्ड होते हैं स्वेट सिक्रीशन के लिए, बाज ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन के लिए। तो ग्रुप ऑफ सेल होती है टिश्यू, लेकिन शर्त यह है कि जो सेल होंगे वो सिमिलर स्ट्रक्चर के होंगे और सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। यहां पर ये भी नोट कर ले, टिश्यू जो है, यानी ये जो टर्म है टिश्यू, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता। तो ये था एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर अबाउट सेल्स एंड टिश्यूज। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।